लीजिए सर, पहले प्लेन टोफू करा। प्लेन वाला जी करें। हाँ जी प्लेन। इसे बार को टेस्ट करिए। सब्जी टेस्ट करा। ये सर तवा पनीर है। ये वाला तवे बनाया है। चम्मच से लो। और ये मोमो टोफू के ही बने हुए हैं। इसमें सब टोफू ही है अंदर। मोमोज चटनी के साथ खाओ उसको। सारी फिलिंग इसके अंदर टोफू की है। कैसा है सर? ये सब से बिल्कुल ठीक है। ये तो बिल्कुल सही है। एकदम ऐसे कोई अंतर नहीं है। मतलब इसमें सफेद मैल नहीं है। सारे सब में बिल्कुल ओके है। सादा पनीर कैसा है? बिल्कुल ओके सर। मसाले वाला? वो भी सब। कई जगह खाए ना जी, एक दो जगह गया हूँ जी, तो जैसे हमने प्लेन खाया है ना जी, तो उसमें दाल की स्मेल आई है। इसमें कोई स्मेल नहीं, इसमें कोई स्मेल नहीं है। नहीं है जी। और सब्जी आपने कभी खाई हो इसकी? सब्जी तो कभी नहीं खाई। प्रिय सब्जी में पता ही नहीं लगा। सब्जी भी बड़ी है। मैं अगर आपको साधारण बाजार के टोफू की सब्जी भी बना दूंगा ना, तो आप पहचान जाओगे कि ये पनीर अलग है। पर जो पनीर से मैं सब्जी बना, मैं आपको इवन सब्जी बनाना भी सिखाऊंगा। मतलब इसकी सब्जी बनाने की भी टेक्निक है। जैसे अब आप टोफू को डीप फ्राई कर दोगे तो अब आप टोफू तो हार्ड हो जाएगा, फिर आप कहोगे हार्ड बनाइए। आप चाहे पनीर को डीप फ्राई कर दो वो भी खराब हो जाएगा। तो इनको हम बड़ा पैन फ्राई करते हैं। पनीर और टोफू की एक खासियत होती है, ये जिस सब्जी में जाते हैं उस टेस्ट को एब्जॉर्व कर लेते हैं। जी जी। तो आपका टोफू टेस्टलेस होना चाहिए, उसमें कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आपका टोफू टेस्टलेस है तो उसकी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। ये अभी टोफू के मोमोज हमने अभी 25 दिन पहले बनाए हैं। मतलब हमने इसको सोचा कि हम टोफू के मोमोज कैसे बनाए, क्योंकि देखो जब आप मार्केट करने जा रहे हो ना, तो मार्केट में आपको समझाना पड़ेगा चीज़ें। जब तक आपके पास चीज़ें नहीं है तो आप बाजार में क्या दोगे? बिल्कुल जी। जबकि हमने मोमो घर बनाए हैं। संदीप जी नमस्कार जी। अब आप बाजार में अगर आप स्टीम मोमो बनाओगे तो और अच्छे बनेंगे। मैं पर कल बात करूं? हाँ कल करूंगा जी। कहीं गया भाई। एक तो ये है ना जी, सब्जी तो बनाने का तरीका भी हो जाता है जी। अगर कैसे बनाई अगर प्लेन अच्छा है तो सब्जी भी अच्छी बनेगी। हमारी बर्बाद यही हो जाती है। जैसे ये मान लो जी, मतलब इसमें स्मेल नहीं है ना, दाग स्मेल आनी नहीं आनी। तो अब आपका टेस्ट को लेके इशू खत्म हो गया? खत्म जी। बहुत टेस्ट बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद मशीन दिखाऊंगा। मशीन को लेके भी आपका इशू खत्म है। अगर आपने इससे पहले मशीन देखी है ना, तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा। ये खत्म करिए सर आप। भी लो भाई सब। नहीं नहीं भाई सब लो बस। मैं तो सब्जी आज बनाई थी। अभी आपके आती तो बनाई है यार। अच्छा।